आज हम बात करेंगे FFPL 2 की सुपर टीम की। फाइव म्यूटेंट्स के हाशू 77 की बात की जाए तो इनको ई स्पोर्ट्स पे बेस्ट कॉलर कहा जाता है, क्योंकि ये मुखालिफ टीमों के अगले स्टेप को पहचान कर रोटेशन करवाते हैं। किस मोड की किस डायरेक्शन पर कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है, हाई डॉट्स पर कैंप या ओपनली अटैक, चाहे करना हो रश या खेलना हो डिफेंसिव, हाशू 77 का एक्सपीरियंस और स्किल सेट अपनी मिसाल आप है। इनकी काउंटर स्ट्रेटेजी का राज इनका ओपोनेंट्स का गेम प्ले एनालिसिस है, और सिर्फ गेम की हद तक ही नहीं बल्कि साथ ही साथ टीम को मोटिवेट भी बहुत अच्छा करते हैं, और यही वजह है कि हाशू 77 फ्री फायर स्पोर्ट्स में बेस्ट कॉलर के नाम से जाने जाते हैं। हाउस ऑफ ब्लड के कायद जो कि किलिंग मशीन के नाम से जाने जाते हैं, और अगर बेस्ट रशर की बात की जाए तो उसमें काय सरे फहरिस्त हैं। काय टीम को स्पॉट करते ही फर्स्ट किल लेने की कोशिश करते हैं। देखने में ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने डिफेंसिव गेम प्ले कभी सीखा ही नहीं। काय के ओपोनेंट्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि काय हमेशा वाइपर की तरह अटैक करने को आते हैं, इसीलिए इनको बेस्ट रशर तसव्वुर किया जाता है। बीको FFPL 2 में काय ग्रुप स्टेजेस में अपने क्रैकर जैक गेम प्ले की बदौलत 69 किल्स लेके HOB को ग्रुप स्टेजेस के लीडर बोर्ड में पहली पोजीशन दिलाने में कामयाब रहे, और इस बात से ये साबित होता है कि काय जैसा रशर फ्री फायर स्पोर्ट्स में कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि इनकी स्किल्स और ज्यादा इंप्रूव होंगी और अपनी टीम को नेक्स्ट FFPL जितवाएंगे। अगर बात की जाए बेस्ट फैगर की तो हस्सू को किसी तारुफ की जरूरत नहीं। हस्सू अपनी टीम के पावर हाउस इंजन से कम नहीं। FFPL 1 में थोड़ा ऑफ द कलर नजर आए, मगर अपनी चैंपियन मेंटेलिटी की बदौलत ग्राइंड करना ना भूले, और आखिरकार अपनी अंतक मेहनत के बाद FFPL 2 में हॉटशॉट ईस्पोर्ट्स के साथ कमबैक करके टीम को चैंपियन बनाने में ना सिर्फ कामयाब हुए बल्कि टाइटल रेस में बहुत अहम किरदार अदा किया। FFPL 2 के ग्रुप स्टेज हो या फाइनल, हसू के गन से निकलने वाली हर बुलेट पर उनके ओपोनेंट्स का नाम मौजूद रहा। ग्रुप स्टेजेस और फाइनल में 92 और 12 किल्स करके पूरी फ्री फायर कम्युनिटी के सामने ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फैगर्स कहलाते हैं। अगर बात की जाए बेस्ट स्नाइपर की तो अनस फ्री फायर कम्युनिटी में अपना नाम टॉप ऑफ द लिस्ट रखते हैं। इन्होंने FFPL 2 में हॉटशॉट ईस्पोर्ट्स से बहैसियत स्नाइपर खेलकर ऑडियंस को लुत्फ अंदोज करते रहे। अनस अपने स्नाइपिंग स्किल सेट के बायस कवर देने के आर्ट पर कंट्रोल बहुत उम्दा रखते हैं। अनस ने अपनी स्नाइपिंग स्किल्स से ग्रुप स्टेज में 58 किल्स लेकर अपनी टीम को फाइनल के लिए क्वालिफाई करवाया, लेकिन बदकिस्मती से फाइनल में फैंस की उम्मीदों पर पूरा ना उतर सके, और क्राउड का प्रेशर ना संभालने की वजह से इनकी कारकर्दगी कुछ खास ना रही। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये FFAC में भी अपनी स्नाइपिंग स्किल से अपनी टीम को सपोर्ट और जितवाने में मदद करेंगे। शिरा फ्री फायर कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम है। शिरा पाकिस्तान के लोकल प्लस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपनी पॉपुलैरिटी के झंडे गाड़ चुके हैं। FFCS हो या लोकल टूर्नामेंट्स, FFPL 1 हो या FFPL 2, हमेशा से ही फाइनल्स में दिखाई देते हैं। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, और वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टर्स में शिरा का नाम शायद ही इस कम्युनिटी में किसी को मालूम ना हो। शिरा टीम में एक वर्सेटाइल रोल प्ले करते हैं कि जब भी इनकी टीम से कोई रश कर रहा होता है तो ये मजबूत सपोर्ट ग्राउंड के साथ सामने होते हैं।
यूटिलिटीज का इस्तेमाल कोई इनसे सीखे जो इनके टीममेट्स को नॉनस्टॉप किल्स और रश करने में एज अ वर्किंग फोर्स काम करती है। समी मिस्टर अनएक्सपेक्टेड के नाम से जाने जाते हैं और हाउस ऑफ ब्लड के सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं। इन्हें हाउस ऑफ ब्लड में फैमिलियर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। टीम के साथ अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग तो की ही बल्कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने में भी पीछे ना रहे। समी वो वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो अपने हर दिए गए रोल को बखूबी निभाना जानते हैं और हर सब्स्टिट्यूट की जिम्मेदारी जब उनके कंधों पर आन पड़ती है तो कॉन्फिडेंस नहीं लूज करते। अब तक तो हमें समी के एंड से कोई डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस नहीं देखी। समी को हेडशॉट किंग भी कहा जाए तो वो भी गलत नहीं कहलाएगा क्योंकि इन्होंने सब्स्टिट्यूट में होते हुए भी ग्रुप स्टेजेस में 74 किल्स और 69 हेडशॉट्स मारे। उम्मीद करते हैं कि समी एशियन चैंपियनशिप में एशियन टीम्स को अपनी स्किल्स दिखाकर स्ट्रॉक करेंगे और हाउस ऑफ ब्लड को एशियन चैंपियनशिप का टाइटल जितवाएंगे। हमें कमेंट से बताएं आप FFPL 2 की कौन सी सुपर टीम बनाना पसंद करेंगे।